यूपी उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 9 सीटों में 7 सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत हुई है तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। सीसामऊ और करहल सीट पर सपा पार्टी प्रत्याशी कड़ी टक्कर के बाद जीत हासिल कर पाए। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत कुंदरकी सीट पर हुई। कुंदरकी में बीजेपी 1,30,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रही। उपचुनाव में बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट परसेंटेज हासिल हुआ। 9 में से 5 सीट बीजेपी के पास पहले से थी, लेकिन पिछली बार सपा ने जो 2 सीटें जीती थी उसे भी इस बार बीजेपी ने फतह कर डाला। जीत के बाद प्रत्याशी और उसके समर्थक अब जश्न मना रहे हैं। तो करहल और उसके साथ सीसामऊ को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई, यानी पूर्व में जो सीटें सपा के पास थी बीजेपी उन पर भी फतह हासिल करने में कामयाब रही। आप इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर। कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा से लेकर सीसामऊ, खैर, फूलपुर, कुंदरकी और केदारनाथ, जो उत्तराखंड में उपचुनाव केदारनाथ सीट पर हुआ इसे भी बीजेपी ने जीता। कुल मिलाकर बीजेपी की जीत की कहानी कहती आज दिन भर जुड़ी ये तस्वीरें हैं। कुंदरकी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर रामवीर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का भी साथ मिला। उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद रामवीर सिंह ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। रामवीर जी, इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सम्मानित जनता को, कुंदरकी की आवाम को, हर हिंदू को और हर मुसलमान को, हर कार्यकर्ता को, हर वोटर सपोर्टर लपोटर को। एक बड़ी चुनौती थी, 64% से अधिक मुस्लिम मतदाता थे और ऐसे में ये सपा ये कह रही थी कि शायद बीजेपी की जीत यहाँ कभी संभव ना हो। सपा ने तो ये भी कहा कि सपा जिसके कुत्ते के गले में अगर पट्टा बांध देगी तो कुत्ता चुनाव जीत जाएगा। हमने इस बात को लोगों में जाके कहा कि अगर सपा के कुत्ते, सपा के पट्टा बांधने से कुत्ता जीत रहा तो मुसलमान और उसके वोट की कोई अहमियत समाजवादी में नहीं है। हम यादव समाज में भी गए और हमने कहा कि अगर पट्टे से कुत्ता जीत रहा है तो आप लोगों की और आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। तो लोगों ने फिर मन बनाया कि इस बार हम इनका नज़ला नीचे और ऊपर दोनों का नज़ला उतार के रखेंगे, और वो नज़ला उतार दिया। आपने मुस्लिम मतदाताओं को क्या भरोसा दिया है, क्या उनको उम्मीद दी? मुस्लिम मतदाता मुझे 3 पीढ़ियों से मेरे साथ हैं और उन्हें पूरा भरोसा है मुझ पर। मैं पूरी ईमानदारी वफादारी से उनकी सेवा करूंगा और उन्हें अगर भरोसा नहीं होता तो इतना बम्पर वोट मुस्लिम कभी भी नहीं देता। भरोसा है तभी दिया और उन्होंने मेरे भरोसे को कायम रखा है और मैं चक्रवर्ती ब्याज के उस भरोसे को कायम रखूंगा। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये अपने लोग थे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन्हें अपना गोत्र याद आया होगा, मूल याद आई होगी और भूली विरासत याद आई होगी, इसलिए एक बार फिर वो हमारे साथ आए। वो साथ इसी बार नहीं आए हैं। वो 17 में भी मेरे साथ 25,000 लोगों ने वोट दिया था। 2007 में जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो उन्होंने मुझे 2500 वोट दिया। 2012 में 5,000 दिया, दुगना हुआ, और 17 में 5 गुना हुआ, 25,000 हुआ, और अब की इस बार 75,000 हुआ, 25,000 का 75,000 हुआ है। तो वो हमेशा साथ रहे हैं। अब के ये है कि अब के और ज़्यादा करीब आए और उन्होंने मुझे इस 25 सालों में परख लिया, समझ लिया और जान लिया कि ये हमारा सच्चा हितैषी है, इसमें कोई छल और फरेब नहीं है और जो कहता है वही करता है। एक अंतिम सवाल कि अभी आपका प्राथमिक एजेंडा क्या होगा? मेरा चारों तरफ शांति कायम रखना होगा और विकास की गंगा बहानी होगी। और फूलपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल लगभग 11,000 मतों से जीत गए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को उन्होंने हरा दिया और जीत के बाद उन्होंने क्या कहा मीडिया के सामने वो आपको दिखाते हैं। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल लगभग 11,000 मतों के अंतर से जीत गए हैं। बीजेपी ने इस सीट पर हैट्रिक लगाई है और हमारे साथ खुद दीपक पटेल यहां पर हैं और उनके साथ साथ शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी हैं जो उनके मित्र भी हैं। आज इस जीत की किस तरह से खुशी है और किस तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं?
बहुत खुशी की बात है। हमारे मित्र हैं हर्ष जी, ये अपना चुनाव मान के चुनाव लड़ रहे थे। ये भंवरा जी हैं, ये विपिन पटेल जी ब्लॉक प्रमुख हैं, ये राम मिलन जी हैं समेत सारे कार्यकर्ता हमारे, जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, पूरे समर्पित भाव से स्वयं का चुनाव मानकर जैसे वो स्वयं प्रत्याशी लड़े और उसी का आज नतीजा है कि हमें अच्छे अंतर से जीते। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आप जनता के बीच गए, जनता ने उस पर मुहर लगाई है? बड़ा मुद्दा विकास का था। पिछले 7 सालों में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, चमत्कारिक विकास हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अभी गिनाना शुरू करेंगे तो लंबा वक्त लगेगा। तो मुद्दा विकास का ही था। जनता उस विकास की प्रत्यक्षदर्शी है, जनता उस विकास की गवाह है। उन्होंने महसूस किया कि अगर कुछ हो सकता है भला फूलपुर का तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही हो सकता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो चुनाव है वो योगी बनाम प्रतियोगी है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। तो कौन सा आपको लगता है कि नारा यहाँ पर चला है? देखिए, यहाँ नारा विकास का चला है और बटना कटना ये सामाजिक एक सच्चाई है। ये कोई जबान से कहता है, कोई ना भी कहे तो ये एक सच्चाई है। घर बटे, परिवार बटे, समाज बटे, देश बटे तो आदमी कमजोर होता है। और माझवा सीट से बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य ने जीत दर्ज की और जीत के बाद उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। उनका और मझुआ के सभी मतदाता बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इतने अच्छे मतों से मुझे विजय बनाया और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर जनसभा की और उन्होंने नारा दिया कि बटोगे कटोगे और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहेंगे नेक रहेंगे, आपको लगता है इससे भी लोग एकजुट हुए और वोट किया तो वोट का बिखराव नहीं हुआ? नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं है, सभी लोग संगठित हैं और सभी लोग भाजपा के विकास कार्यों से सभी लोग प्रभावित हैं और इन सब चीजों को देख रहे हैं कि जनता को विकास चाहिए है, ना कि जातिवाद चाहिए। जी। तो उनके लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं का भी बड़ा असर रहा यहाँ पर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा असर रहा। और बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बसपा की ओर से भी प्रत्याशी उतारा गया एक ब्राह्मण, तो उनको लगा कि पीए को शायद ब्राह्मण वोट कट के पारंपरिक बीजेपी का वोट है वो कट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वोट बट नहीं पाया और आपको वोट बीजेपी को भी ब्राह्मण का जो आप नतीजे आए उसमें लग रहा है कि पड़ा है, तो आपको लगता है विपक्ष की सारी रणनीति फेल हो गई? जी हाँ बिल्कुल, विपक्ष की सारी रणनीति फेल हो गई है क्योंकि पीडीए का नारा उन्हें केवल जब सत्ता में नहीं रहते हैं तभी याद आता है, जब सत्ता में रहते तो उस चीज़ को भूल जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर आगे चलती है, उसी का नतीजा ही है। और मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने भी जीत दर्ज की है और जीत के बाद उन्होंने क्या कहा है वो आपको विस्तार से सुनवाते हैं। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में रालोद भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल की है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की नई विधायक मिथिलेश पाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे आज की जीत के क्या मायने? देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय दोनों शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी, राष्ट्रीय लोकदल के आदरणीय जयंत चौधरी जी को कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और एक आम कार्यकर्ता को अपना सिंबल देकर मैदान में उतारा और उस पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस पर मोहर लगाकर महिलाओं का सम्मान करने का काम किया और आम जो हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता थे, शीर्ष लीडर्स थे, सभी ने अपना चुनाव मानकर लड़ा और सभी जनता ने भी अपना ही चुनाव मानकर लड़वाया है और अपना आशीर्वाद और प्यार देकर अपना कीमती वोट देकर विजय बनाने का काम किया है। मैं उनका भी क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैडम, आपको क्या लगता है कि कौन सी बात, कौन से वादे जनता के दिल में घर कर गए और जनता को क्या भाग गया? मैं पहले भी रही हूँ, अब जनता को तो क्या पसंद आ जाए क्या ना पसंद आए वो तो जनता की बात है, लेकिन जनता के बीच में पहले भी रही हूँ, आगे भी रहूंगी और जनता के लिए कार्य करूंगी, ऐसा मैंने पहले भी किया है और आगे भी ऐसा ही करूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैलियां करने के लिए आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जादू समूचे प्रदेश में रहा, 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी रालोद गठबंधन ने जीत हासिल की है, तो ये जादू चल गया सीएम के फेस का? जी,
अब सीएम साहब सबके बीच में रहते हैं, काम करते हैं, काम पे विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो उनको सब पसंद करते हैं, जनता पसंद करती है, तो इसलिए उनका जादू चला। बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा हिट हो गया। देखिए बटेंगे कटे का अर्थ आप क्या निकाल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बटने का एकजुट रहेंगे, एकजुट रहेंगे ये अर्थ है, एकजुट रहेंगे जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा लगातार जो दे रहे थे वो यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक वो कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एकजुटता का वो उदाहरण दे रहे थे। हाँ जी, एकजुट रहना चाहिए, एकजुटता में ही शक्ति है और ताकत है, सब लोग एकजुट रहे तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला। जयंत चौधरी जी ने भी रोड शो किया और लगातार वो सक्रिय रहे, कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पर रोम करते रहे, क्या कहेंगी, कैसे धन्यवाद देंगी उनका? मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मातृशक्ति को और वो भी एक आम कार्यकर्ता को, अति पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस पर विश्वास दिखाया है, तो मैं उनका और समाज की तरफ से, पिछड़े समाज की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगी और जनता की तरफ से भी धन्यवाद। यादव को लेकर क्या कहेंगी, जिस तरह से वो लगातार तमाम एक्स पर पोस्ट कर रहे थे, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव बेहद सुर्खियों में रहा था, तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगे, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहेंगी? देखिए मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, वो उनकी बात वो जाने। और कटेरी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने जीत हासिल की। 33,852 वोटों से बीजेपी को जीत मिली है और आपको बता दें 33 साल बाद कटेरी में कमल खिला है। मैंने जो काम किया था, जो सम्मान दिया था, कटेरी की जनता ने आने के बाद मुझे याद किया और टिकट दिलाने में भी पूरा समर्थन दिया और टिकट मिलने के बाद जो है क्षेत्र में जाकर के वोट मांगने का काम किया और जनता ने जो है चुनाव लड़ा और कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा और मुझ जैसे गरीब के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने टिकट देकर आज कमल खिलाने का काम किया है। आरोप लगा रहा है विपक्ष, आरोप लगा रहा है कि आपको वोटिंग नहीं होने दी आपने। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, वोटिंग तो हर जगह हुआ है, चाहे आप लाइन में, आप ही पेपर में, मीडिया में दिखाते हैं मुसलमानों की बेटियां औरतें जो है लाइन में वोट डाल रही हैं, उनके बूथों पर अच्छा वोट पाए हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं है कि कोई रोका गया। एक आखिरी सवाल, जीत के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री ने यहाँ की जिम्मेदारी संभाली थी, खुद यहाँ पर वो देख रहे थे, वो इसका चार संभाल रहे थे। देखिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है ही हैं, या यहाँ के जनता है, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, विशेष करके मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है और उन्होंने श्रेय दें तो मुख्यमंत्री को दो, इस क्षेत्र की जनता को दो। गाजियाबाद विधायक संजीव शर्मा ने पार्टी की जीत पर क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं संगठन का व्यक्ति हूं, मैंने 2019 से 5 वर्ष से अध्यक्ष हूं मैं लगातार, और मेरे नेतृत्व में सभी चुनाव हम सब लोगों ने एक भारी संख्या में जीते हैं, और इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि मैंने 500 बूथों में से 400 से ज्यादा बूथों पर पहले ही प्रवास किए थे, सभी कार्यकर्ता मुझे जानते थे, बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख तक सभी लोग मुझे जानते थे, वहां के कार्यकर्ता जानते थे, और हमारे कार्यकर्ताओं की कनेक्टिविटी, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, रामलीला हो, चाहे वो व्यापार मंडल हो, चाहे RWA हो, कोई भी कार्यक्रम हो सामाजिक, हमारे कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी वहां पर रहती है, और हम सब लोग चाहे सरकार की नीतियों को लेकर, योजनाओं को लेकर, सदस्यता अभियान को लेकर, हम लोग जनता के साथ सीधे कनेक्ट रहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जनता ने हमें पसंद किया और जनता ने सीधा वोट किया। जी, अब तक अध्यक्ष रहे तो कुछ और जिम्मेदारियां थी, अब विधायक बन गए हैं, जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी, क्या क्या मान के चलते हैं, उन जिम्मेदारियों को किस तरीके से लेके चलेंगे, कुछ ऐसे काम जो आप सोच के बैठे हैं कि मुझे करने हैं गाजियाबाद के लिए? भगवान दुधेश्वरनाथ मंदिर है, उसके कॉरिडोर की बात मैंने सोची है कि उसमें अच्छा कॉरिडोर बनना चाहिए। दूसरा, एम्स का जो सेटेलाइट सेंटर है वो गाजियाबाद में बनना चाहिए। जो महामाया स्टेडियम है उसमें अच्छा विकास होना चाहिए। उसके अलावा NS-24 की उधर की जो कॉलोनियां हैं उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उसको काम करेंगे। पेयजल के लिए प्रताप विहार क्षेत्र में क्रॉसिंग में जाम की समस्या है। कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों को करने की प्राथमिकता, और शिक्षा और चिकित्सा मेरे लिए प्राथमिकता हो। और खैर से बीजेपी नवनिर्वाचित विधायक सुरेंद्र दलेर ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी जीत के बाद, आपको सुनवाते हैं। पहले तो जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ी जीत आपने दर्ज की है, खैर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक हैं, क्या कहें?
पहले तो समस्त देवतुल्य जनता, खैर विधानसभा की देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास और आशीर्वाद दिया। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये जीत बंदूक की नोक पर की गई है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है वो डर की वजह से जीत। देखिए अन्य अन्य प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती है, जब लगता है कि कुछ कर नहीं पा रहे तो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है, तरह तरह की बातें बनाई जाती है, तो उससे कोई निराधार बात लगती है। कि राजनीति में रहे वो उन्होंने भी सेवा की, क्या आप भी उन्हीं के पक्ष में? बिल्कुल मैं चल रहा हूँ और देवतुल्य जनता कहीं ना कहीं देख पा रही है तो उसी आधार पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जनता के लिए अगला पड़ाव पहला काम क्या है? देखिए सबसे पहले तो जैसे कि भाजपा परिवार और हमारा एक संयुक्त आरएलडी के साथ जो एक वो है और कहीं ना कहीं हमारे जो आधार है भाजपा का, सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे आगे बढ़ा जाए। विपक्ष कहता है कि अभी भी करिश्मा हो जाएगा, अभी भी हम लोग जीतेंगे। देखिए अब कल्पना है, सब कर सकते हैं, उसमें कुछ अलग नहीं गलत नहीं। करल से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, यहां से तेज प्रताप यादव ने विजय हासिल की और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। वो जीत को अब इसका जवाब नहीं, जनता की जीत है और सरकार और सत्ता के आगे इतना ज्यादा जो उत्पीड़न हुआ और लोगों को वोट डालने से रोका गया और पूरा प्रयास सरकार ने किया चुनाव हराने का, उसके बावजूद यहाँ के लोग निकल के उन्होंने वोट किया, जनता की जीत। क्या इस मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश होगी 2027? बढ़ाएंगे, जहाँ कोई कमी होगी उसको पूरी करेंगे। समाजवादी पार्टी कटने बटने का नारा यहाँ चल पाया? कोई नारा नहीं चला, यहाँ केवल प्रशासन की लाठी चली। आपने वीडियो भी देखे होंगे, गांव में घुसकर जो लोग वोट करने लगे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, लोगों को वोट डालने से मना किया। जीत का श्रेय किसको देंगे? यहाँ की जनता को, हमारे वोट। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी जीती है, नसीम सोलंकी ने यहां जीत दर्ज की है और जीत के बाद नसीम सोलंकी के समर्थकों ने जश्न मनाया। नसीम सोलंकी ने इस मौके पर क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। पहले तो मेरे अल्लाह को, मेरे ऊपर वाले को, फिर उसके बाद जो है मेरी सीसामऊ की जनता है और सब उससे भी पहले राष्ट्रध्यक्ष जी को, जो उन्होंने मुझे भरोसा दिखाया। अगर वो मुझे मैदान में भेजता ही नहीं तो फिर क्यों जनता? पर मुझे हर एक 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 इंसान का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे साथ ग्राउंड पर मेहनत करी, जिन्होंने वोट देने की मेहनत करी और जिन्होंने दुआएँ आशीर्वाद दी, उन्होंने सब सबको मेरा धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। डिम्पल भाभी आई, उन्होंने भी बहुत मेरे लिए आए, सारी चीज़ें। मैम एक चीज़, जब काउंटिंग स्टार्ट हुई कहीं ना कहीं चेहरे पे शिकन आ रहा था, अब कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। शिकन तो देखिए सुबह भी जब हम आए थे तो हमने कहा नहीं, कॉन्फिडेंस था कि जीतेंगे इंशाल्लाह, बस एक थोड़ा सा विधायक जी को याद करके थोड़ा सा अंदर से भावुक हो रहे थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस था कि जीतेंगे। सीरीज 3 में अब आपका नाम आ गया, ए बी हस्बैंड और सी आप, क्या करेंगे? थर्ड नंबर आपका ए, आपके ससुर साहब, फिर हस्बैंड और आप, क्या कहना चाह रही, कैसा सिनेरियो से देख रही हैं? बस बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको मिल गई है तो फिर अब देखिए उसको प्लान करेंगे और पहली कोशिश ये भी रहेगी कि विधायक जी निकल जाए तो फिर हम दोनों मिलके एक और 11 होके काम करें। जिस तरह की आपने कहा अल्लाह का शुक्रिया करेंगे, निश्चित तौर पर हर आदमी करता है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा नसीम मैम का? नहीं अब जो बनाना है, प्लान करना है, स्ट्रेटेजी करेंगे कि कहाँ से काम करवाना है। मेन जो है मेरा ये भी प्रायोरिटी पे है कि विकास नहीं हुआ 2 साल से, तो छोटे छोटे जो बस्तियाँ हैं वहाँ से हम इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे। आखिरी चीज़ महिलाओं के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब महिलाओं ने भी दिल खोल के वोट दिया। बस उनका तो बहुत, मेरी बहनें मेरी माताएं सबसे ज़्यादा, तो उन्होंने दिल बड़ा करके और जो आशीर्वाद दिखा दिया, बस बहुत उनका शुक्रिया। और मैं कोशिश करूँगी, लोगों से मिलूँगी जो उनकी समस्याएँ पूछूँगी, फिर उसके बाद उसका हल निकाल। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, आशा नौटियाल 5623 वोटों से जीती हैं और जीत के बाद आशा नौटियाल ने न्यूज 18 से बातचीत की, आपको दिखाते हैं। केदारनाथ की जनता ने आखिरकार बीजेपी को इस पूरे क्षेत्र से जिताया, यानी कि 5000 वोटों से बीजेपी की जो प्रत्याशी आशा नौटियाल है उनको जीत मिली है। मैं केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर केदारनाथ विधानसभा को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अपना मतदान दिया है और धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि 5000 वोटों से आपको लीड मिली है तो जी कितनी उम्मीद तो ये बताई जा रही है ज्यादा मिलेंगे? नहीं, बहुत दिया है केदारनाथ की जनता ने, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूं और यहां के एक एक मतदाता का, देवतुल्य मतदाता का, देवतुल्य कार्यकर्ता का और समस्त जनता का आभार व्यक्त करती हूं। रोड मैप क्या रहेगा आगे का? जी बिल्कुल विकास का रहेगा,
विकास को आगे बढ़ाने का रहेगा। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, बिजली, पानी, सड़क, यातायात और जहां शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की है, उन पे, उन मुद्दों पे काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे आशा नौटियाल, विधायक कह सकते हैं, विधायक केदारनाथ, क्योंकि केदारनाथ की जनता ने इन्हें यहां से भरपूर मतों से, यानी 5,000 से ज्यादा की जो वोटों से इनको यहां से जिता के विधानसभा के लिए भेजा है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 केदार।